तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं VVA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हाँ, VVA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले एक कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि जो माइक्रो जो होता है वो तो व्यू के अंदर जो माइक्रो होता है उसको माइक्रो कहा जाता है, जिससे रिकॉर्ड करते हैं उसको माइक्रो बोला जाता है, जो हम कोडिंग करते हैं उसको VVA कहा जाता है। देखिए दोनों माइक्रो ही है। माइक्रो क्या है? एक ऑटो पायलट है जो घंटों काम को विद इन सेकेंड में कर देता है। किस तरह के काम को? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां देना चाहूंगा कि मेरे पास कई सारे डेटा शीट्स है, पुणे है, दिल्ली है, नोएडा है, कानपुर है, ऐसे हो सकता है 50 सीट हो, 55 सीट हो, 100 हो, 500 सीट हो, सारे सीट के डेटा को कॉपी करके मुझे यहाँ एक के नीचे एक पेस्ट करना है। अगर मैं मैनुअल करने जाऊं तो क्या करना होगा कि इसको कॉपी करेंगे, एक मिनट प्रवीण जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। एक के नीचे एक हम पेस्ट करेंगे, तो अगर 2-4-5 फाइलें हैं तो 5-7 मिनट में आप कर देंगे। लेकिन फाइलें अगर 500 हो, सीट 500 हो, 1000 हो, 100 हो, 50 ही कर लीजिए, 50 को ही करने में आपको घंटों दो घंटों का टाइम लग जाएगा। तो हमने जो कॉपी करने का प्रोसीजर होता है उसको हमने कोड कर दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जस्ट मुझे उसको ट्रिगर करना है, सिलेक्ट किया, ट्रिगर किया, विद इन सेकेंड में मेरा काम है। विद इन सेकेंड में सारे डेटा को कॉपी करके इसने यहां पे पेस्ट कर देगा, सर डेटा को कंसोल कर दिया विद इन सेकेंड। तो हमने क्या किया था, हमने सारे स्टेप्स को यहां पे कोड किया। इसको बोलते हैं VVA लैंग्वेज, जो हमने लिखा हुआ है एक्सेल इसको लाइन बाय लाइन पढ़ता है, समझता है और उस स्टेप को करता है। जान लीजिए कि ये तो आपने जान लिया कि VVA करता है क्या। VVA जस्ट एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑटो पायलट की तरह काम करता है। जैसे प्लेन को फ्लाई करने के लिए ऑटो पायलट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहां पे भी यूज किया जाता है। ओके, हम बात कंसेप्ट को समझते हैं। तो एक चीज वो जानते हैं कि VVA है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। VVA इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। कोई VV6 नहीं है, याद रखिएगा, या VV.NET नहीं है, मतलब कि इसकी जगह इसकी मतलब कि इसकी मदद से आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, इसकी मदद से आप एक्सेल में नए फीचर्स को डेवलप करेंगे। पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए, इससे exe फाइल नहीं बनेगी, इससे जस्ट माइक्रो बनेगा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और सिर्फ ये एक्सेल में वर्क नहीं होता है, आप वर्ड ले लीजिए, पावर पॉइंट ले लीजिए, आउटलुक ले लीजिए, सब पे ये VVA परफॉर्म करता है। तो हम बात करेंगे कि VVA के थ्रू हम बनाएंगे क्या। VVA के थ्रू सबसे पहले बनता है माइक्रोज। माइक्रो जो भी अभी मैंने बताया कि ये ऑटो पायलट की तरह होता है, ऑटो पायलट की तरह कि ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट आपके बिहाफ पे बनाता है। आपने जो लाइन ऑफ कोड कंसीडर कर रखे हैं, राइट कर रखे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए वो आपका काम करता है। जो एग्जांपल मैंने अभी दिया कि मैं सारा डेटा को कलेक्ट करके यहाँ एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट कर दिया।
उसके बाद बात करते हैं इस पे बनता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई फॉर्म। जैसे एक्सेल में ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि कस्टमाइज नहीं है। ऐसे फॉर्मूले को हम यहाँ इजिली बनाते हैं। आप बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल दो, इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि क्या फंक्शन बनेगा। जैसे कि आपके सामने हमने एक डेटा को कॉपी कर लिया और यहां पेस्ट कर दिया, अब मुझे इसमें हमारे पास VLOOKUP का फॉर्मूला है जो कि बताता है कि पूजा कितनी बार है। अगर लिस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करें तो अगर मल्टीपल टाइम है तो यहाँ लिस्ट में आ जाता है। हालांकि फिल्टर फॉर्मूला भी अगर हम लगाते हैं, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो फिल्टर फॉर्मूला भी आप लगाएंगे तो फिल्टर फॉर्मूला भी बता देता है, इसमें ले देता है कि अरे इंक्लूड क्या करना है। हमने बोला कि इसमें हमें इक्वल टू पूजा आना चाहिए। डेटा आपके सामने आ गया सर, बट मुझे यहां पे डेटा इस तरह से लिस्ट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 84, 54, 56, 196, 36 इस तरह से। हालांकि इसको भी टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले से किया जा सकता है एरे फॉर्मेट में, लेकिन वो तो लेटेस्ट एक्सेल पे है, लेकिन आपके पास लेटेस्ट एक्सेल नहीं होगा ना, तो मैं यहां कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। तो मैं सिंपल सा जाऊंगा यहाँ पे विजुअल बेसिक पे, अब कोडिंग क्या लिख रहा हूँ ये हम आपको जब कोडिंग क्लासेस समझाऊंगा तब समझाऊंगा, बस यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या बन सकता है फंक्शंस। एम लुकअप के नाम से मैंने बना दिया, एम एज ए वेरिएंट, आर एज ए रेंज, कॉलम एज ए लॉन्ग, यहाँ पे dim k as a range, for each k in r, if r dot value is equal to n, then dim p as a string, p equal to p k के साथ कंबाइन है कॉमा, आर डॉट ऑफसेट सी कॉमा कॉलम जीरो, छोटा सा आपने कोड लिखा और यहां पे नेक्स्ट और एम लिखा इक्वल टू हो गया। यहाँ पे हम एम लुकअप का फॉर्मूला देखिए आ गया, हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया एम लुकअप का, हमने फॉर्मूला लगाया अपने डेटा को लगाया, तो हमने बोला कि पहले अगली कॉलम से डेटा चाहिए, गलती कर दिया गया सर। तो हमने एम फॉर्मूला लगा, एम लुकअप नाम का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के लिए मुझे कोई लंबा चौड़ा कोड भी ना लिखना होगा, छोटा सा कोड लिखना होगा। अरे कोड क्या है कैसे हुआ, जब आपकी कोर्स चलेगी तो कोर्स में हम आपके हम डिसाइड करते हैं, हम बता देंगे कोर्स में क्या कैसे।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमने बताया आपको कि जो हमारा VVA में फंक्शन होता है, तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म को हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पिवट लगाना है, तो आपने इस पे गया, पिवट टेबल पे क्लिक करते यहाँ पॉपअप आता है। जो पॉपअप आता है इसी को यूजर फॉर्म कहते हैं। आप इसी तरह का पॉपअप यूजर फॉर्म के थ्रू बना सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है इंटरफेस के लिए। अब मान लीजिए कि माइक्रोज एक आपका जो पिवट एक माइक्रोज होता, तो आपको कितने माइक्रो बनाने पड़ते? एक माइक्रो विथ होता, एक माइक्रो विथ रेंज विथ टेबल न्यू शीट, रेंज विथ एक्सटर्नल डेटा न्यू शीट, रेंज विथ टेबल विथ एग्जिस्टिंग शीट। पांच सात टेबल बन जाते ना सर, पांच सात माइक्रो बन जाते। तो बट यहाँ पे क्या किया इसने, एक पॉपअप दे दिया। अब यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, ओके करते समय सारी कोड जो कोडिंग जो है ओके पे डली हुई है, और ये ऊपर देख लेगा कि क्या क्या यूजर ने सिलेक्ट किया है, उसके हिसाब से वो लगा दे। उसी तरीके से आप फॉर्मेट से देखिए, अलग अलग टैब्स हैं, कई सारे फीचर्स को यहाँ पे इकट्ठा दे दिया हुआ है। इस तरह की टैब बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं यूजर फॉर्म। इसमें जो मर्जी ड्रैग करना है, ड्रॉ करना है, डिजाइन करना है, डिजाइन कर दीजिए, बाद में आपको इसी तरह से यहाँ पॉपअप आता है। तो हम जो है माइक्रो का इस्तेमाल, सॉरी VVA का इस्तेमाल तीन चीजों में करता है। पहला हम माइक्रो बनाते हैं। माइक्रो क्या होता है? ऑटो पायलट, मतलब कि जो आपकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट बांटने का स्टेप को लाइनिंग में रख दीजिए, लाइन में रिपोर्ट में रख दीजिए, रन करते समय आपका माइक्रो ऑटोमेटिक बनता चला जाता है। आता है फंक्शन, मतलब कि फॉर्मूले। आप खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तीसरा आता है यूजर फॉर्म इंटरफेस, आप इसमें अपना इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सागर जी डाउट इसमें? आपको रवि जी को डाउट? नहीं सर नहीं। चलिए अभी सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया फंक्शन मैनेजर। अब बात करते हैं कि हम माइक्रो कब बनाएंगे। देखिए माइक्रो बनाने का दो सिचुएशन है। पहला है रिपीटेड वर्क, इसमें काफी टाइम लग रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया ना, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे शीट्स हैं, इस शीट का डेटा मुझे एक शीट के ऊपर कॉपी पेस्ट करना है, तो हमने यहाँ पे अपने लिए माइक्रो डिजाइन कर लिया, रन करेंगे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि मेरे एक फोल्डर में, यहाँ पे फोल्डर है, इस फोल्डर में मेरे पास इतने सारे फाइल्स हैं, मुझे इन फाइल, इस फाइलों में हर फाइलों में डेटा है, सारे फाइलों का डेटा एक शीट के ऊपर कॉपी पेस्ट करना है, तो इसके लिए भी मैंने माइक्रो बना रखा है। मैं जाऊंगा, उस माइक्रो को सिलेक्ट करूंगा और रन करूंगा, ये चीजें कॉपी पेस्ट होना। तो ये कब बनाएंगे? रिपीटेड जॉब, मतलब कि मुझे इस काम को बार बार करना है, हर दिन करना है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने बोला कि सिंपल से एक रिपोर्ट बनाकर देने के लिए, वो रिपोर्ट आप मैनुअली बनाने जाओगे तो 10 मिनट का टाइम लगेगा, बन जाएगा। और इन फ्यूचर में ऐसे रिपोर्ट को दोबारा बनाना है या नहीं बनाना है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे रिपोर्ट के लिए अगर आप माइक्रो बनाने जाते हैं तो बेवकूफी होगा, क्योंकि माइक्रो बनाने के लिए काफी रिसर्च करना होगा, कोड लिखना होगा, टेस्टिंग करना होगा, एरर को क्लीन करना होगा, काफी टाइम कंज्यूम करेगा। तो जो 10 मिनट में अगर मैनुअल ऐसे ही बन जा रहा है, तो क्यों हम माइक्रो यूज? मतलब कि सांप को मारने के लिए लाठी काफी है, तोप ले आने की क्या जरूरत है? तो माइक्रो का यूज होता है रिपीटेड जॉब पे, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उस काम पे करें, ऐसे काम पे नहीं जो कि एक बार आया है, इन फ्यूचर में कब आएगा कब नहीं आएगा, उस पर हम माइक्रो इस्तेमाल।
दूसरा है कि अगर आपके पास एक बार ही आया है लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, इसको कॉपी किया और एक्सेल के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब मेरा काम आया है, एक काम जो आया है इसमें क्या है कि मेरे पास 1,00,000 से ऊपर साइट्स है, राइट, 1,00,000 से ऊपर साइट है। फिलहाल मान लीजिए अभी फिलहाल 100 ही है, बट इमेजिन कर लीजिए 1,00,000 से ऊपर साइट्स है। अब मुझे इस साइट को अपने अपने जो है सॉफ्टवेयर में, अपने साइट पे या कहीं और इसको अपडेट करना, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें यूआरएल कंप्लीट नहीं है। जी हाँ, यूआरएल कंप्लीट नहीं, जैसे इंडिया लिस्ट। अब इंडिया लिस्ट क्या है, .com है, .co है, .in है, .org क्या है, लोगांटो क्या है, तो इसका जो हाइप, इसमें जो लिंक लगा है ना, वो एक्चुअली बात है। तो अगर मैं वीवी इस्तेमाल ना करूँ तो मुझे राइट क्लिक करके यहां हमें क्या करना होगा, एडिट हाइपरलिंक पे जाना होगा, फिर यहां से इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करना होगा। अब 1,00,000 से के आसपास वेबसाइट लिस्ट को इस तरह से कॉपी पेस्ट करने में मुझे लगता है कि 2-3 महीना तो लगेगा, क्योंकि बहुत करेंगे एक दिन में 2,000 से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक करने में कितना स्पीड करेंगे तो आपको 40 सेकेंड तो लग ही जाता है, तो 40 सेकेंड लग ही जाता है। तो आप अगर 40 को 1,00,000 से डिफाइन करेंगे तो 40,00,000 है, 40,00,000 काफी टाइम है सर। लेकिन वीवीए के थ्रू, क्योंकि आया सर एक ही बार है, इन फ्यूचर में नहीं आएगा, लेकिन इतना लेंदी है कि काफी टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो यहां हम क्या करेंगे कि इसके लिए सिंपल सा एक फंक्शन या मैक्रो, फिलहाल मैं फंक्शन ही बना लेता हूं, फंक्शन मैंने बना लिया यू आर एल, हमने दिया यू आर एल इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक। सिंपल सा एक लाइन लिख दिया, अब ये देखिए कैसे काम करता है। अब इसको नीचे तक हो गया सर। तो गांधी जी, रवि जी, प्रवीण जी, कोई डाउट इसमें, हंसागर हो गया, जादू हो गया, क्या कोड इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहली क्लास में कोड समझाने लगूंगा तो फिर सर के ऊपर से निकलना शुरू कर देगा ना सर। पहले हम जो फंडामेंटल्स है वो पहले, ठीक है, तो हम दो सिचुएशन में वीवी इस्तेमाल करते हैं। पहला, रिपीटेड वर्ड, ऐसा काम जो हमें डेली बेसिस में करना होता है उस केस में, और दूसरा जब हमारा कोई ऐसा काम लेंदी है उस केस में किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम किसके लिए मैक्रो बनाएंगे।
अगर आप ऐसे फाइल पे मैक्रो बना रहे हैं जो फाइल 10, 20, 50 लोगों को शेयर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जिसको 10, 20, 50 लोगों के पास शेयर करना है, तो आप मैक्रो ना यूज करें, सही भी है। क्यों? क्योंकि हर डेटा की जो सिक्योरिटी वार्निंग होती है डिफॉल्ट डिसेबल और मैक्रो विथ नोटिफिकेशन होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए फाइल को क्लोज करता हूँ और मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे सिक्योरिटी वार्निंग देगा। देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन वापस, देखा सर, ये सिक्योरिटी वार्निंग देगा। अब जो लोग मैक्रो से फैमिलियर है, मैक्रो को समझते हैं, वो अनेबल मैक्रो लेंगे, लेकिन जो लोग मैक्रो के बारे में नहीं जानते हैं, मैक्रो क्या है चीज को नहीं समझते हैं, वो तो समझेंगे कि ये कोई वायरस तो नहीं आ गया और सीधे इसको डिसेबल या कैंसिल कर देंगे। तो आपको हर किसी को समझाना होगा कि भैया मैक्रो लगा हुआ है, आप एक बार डिसेबल कर ले, अनेबल कर ले, डिसेबल होता है, ये थोड़ा सा सरदर्दी वाला काम है। क्या गांधी जी? यस सर, यस सर। तो ऐसे चीजों पे जब तक जरूरत ना हो तब तक मैं नहीं बोला कि मैक्रो यूज ही नहीं करना है, जब जरूरत ना हो तब तक यूज ना करना। जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा भी मैक्रो के बारे में जानता है तो आप उसमें यूज कर सकते हो, या आप अपने लिए जो कर रहे हो, अपने लिए कुछ बना रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो उसमें मैक्रो जितना मर्जी उतना यूज करना है कर सकते, कोई फाउंडेशन नहीं। ओके, समझ गए? अब बात करते हैं प्रिपरेशन कि आपको मैक्रो यूज करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करने पड़े। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब चाहिए होगा। डिफॉल्ट सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं होता है, उसको लाने के लिए फाइल में जाएं, ऑप्शन पे जाएं, कस्टमाइज रिबन और यहां से डेवलपर टैब पे क्लिक करें, पहले चीज। दूसरी चीज, आप अपने मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल विद नोटिफिकेशन कर लें, अनेबल ऑल मैक्रोस कर लें, ताकि बार बार आपसे वो अनेबल मैक्रो के बारे में ना पूछे। उसके बाद आप अपने फाइल को ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी सेव करते हो तो आप फाइल का सिलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर गलती से यहाँ पे आपने एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट कर लिया तो सारे माइक्रो कोड्स आपके डिसेबल हो जाएंगे, मतलब कि डिलीट हो जाएंगे। आप टाइप करोगे, रन करोगे, वर्क करेगा, जैसे ही फाइल क्लोज करोगे, रीओपन करोगे, सारा माइक्रो हट जाएगा। सो फाइल को सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आप भूल जाते हैं मेरी तरह, तो आप एक्सेल ऑप्शन पे जाए, सेव पे जाए और अपना डिफॉल्ट फाइल टाइप जो है एक्सेल मैक्रो वर्कबुक कर ले। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आप सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे मैक्रो अनेबल वर्कबुक सेव होगा। तो ये तीन चीजें करनी है, दो चीजें तो आपको वन टाइम करना है, मतलब डेवलपर टैब और माइक्रो सिक्योरिटी को तो एक सिस्टम पे एक बार ही करना है, और दूसरा फाइल को हमेशा चेक करते रहिएगा, जो फाइल आपने लिखा है वो आपने सेव जो किया है और माइक्रो अनेबल वर्कबुक में किया है, गलती से आपने एक्सेल वर्कबुक में तो नहीं कर दिया है। समझ गए सर? और ये सिक्योरिटी कोड, सिक्योरिटी मैक्रो सिक्योरिटी को कहां पे करने के लिए बोला आपने? माइक्रो सिक्योरिटी डेवलपर टैब में माइक्रो सिक्योरिटी होता है, उसमें अनेबल करना होगा। डेवलपर टैब में माइक्रो लास्ट ऑप्शन, ठीक है। में उसके बाद देखिए, मेरी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, करने से पहले एक मैं सबको, जो भी मेरे साथ पढ़ने आते हैं सबको, मैं एक आर्टिकल सजेस्ट करता हूँ, ये आपको भी सजेस्ट करता हूँ।
excelvva.com ये मेरा आर्टिकल है, यानी कि जब मैंने शुरुआत की थी लर्निंग में तो मुझे बहुत काम दिया। इसमें 33 चैप्टर्स थे, तो आप जो है कल टाइम निकाल के कुछ चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। नाम क्या है ठीक है, इसका URL से बहुत ही सिंपल है excel-vva.com excel-vva.com याद ना हो तो मुझसे कॉल कर लीजिए। इसको एक बार देखिए ठीक। फिर कल हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में कि रिकॉर्डिंग मैक्रो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे उसको एडिट करते हैं। ये हमारे सर कुछ मैक्रोस बनाने के लिए कुछ सिंटेक्स होते हैं ना सर, जैसे तो सर मैं बताऊंगा, मैं आपको वन बाय वन चलेंगे सर। ठीक है, आज आपने फंडामेंटल के बारे में जाना, कल आप मैक्रोज रिकॉर्डिंग मैक्रो और को के बारे में जानेंगे, वो भी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ द मैक्रो, मैक्रो फंडा आपको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल, जब आपके ऑब्जेक्ट मॉडल स्टार्ट होगी देन आप कोड कंसेप्ट स्टार्ट होगा, कोड कैसे टाइप करते बोलते हैं। तीसरे क्लास में है कोड कंसेप्ट, तीसरे या चौथे क्लास में। तो अभी आपको क्या करना है, excel-vva.com को अच्छे से पढ़ लेना, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ जो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, एक बार मुझे हाय लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, 388 पे सर जी, आपके वाले नंबर पे 388। हाँ हाँ, आपका तो है, क्योंकि रवि जी है, प्रवीण जी है, एक बार हेलो करें जी, मैं बोल देता हूँ जी है। सागर जी आपका नंबर ये है क्या, 8999-8999-352641? यस सर, यस सर, यस सर, 8999-352641 641 है ना सर। हाँ हाँ, राइट सर, राइट सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। राइट सर, ओके, बाय, गुड नाइट। राइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।